प्रिय साथियों, आज कोल माइंस रेगुलेशन 179 मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप मतलब फ्लैम सेफ्टी लैंप, इस रेगुलेशन का चर्चा आपके साथ करूंगा। फ्लैम सेफ्टी लैंप कितना इंपॉर्टेंट है, ये गैस टेस्टिंग के पढ़ाने के दरमियान में मैंने चर्चा किया, उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में भी चर्चा की। अब इस फ्लैम सेफ्टी के रख रखाव और सेफ्टी इस तरह से जुड़ा हुआ है कि कोल माइंस रेगुलेशन में भी सेफ्टी ऑब्लिगेशन या स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन कानूनी प्रावधान किए गए। तो ये कोल माइंस रेगुलेशन 179 मेंटेनेंस एग्जामिनेशन ऑफ फ्लैम सेफ्टी लैंप, मेंटेनेंस फ्लेम सेफ्टी लैंप का कैसे मरम्मत करेंगे, फ्लेम सेफ्टी लैंप का कैसे जांच करेंगे। तो इसका 6 सब रेगुलेशन है, ये छोटा रेगुलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और हर एक सब रेगुलेशन को ध्यान से समझने की चीजें हैं। जो पहला सब रेगुलेशन है, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस, ये एक 3 शब्द का एक लाइन है, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस को इंश्योर करेंगे। प्रॉपर मेंटेनेंस का शेड्यूल अलग है, कैसे मेंटेनेंस करेंगे, अब टूटा हुआ जाली तो नहीं लगा देंगे, तो मेंटेनेंस प्रॉपर करेंगे, फिटिंग प्रॉपर करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं, साफ करेंगे ग्लास का, चिमनी का, तो ये सारी चीजें हैं इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस, जो हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा सब रेगुलेशन है कॉम्पिटेंट पर्सन, अब ये मेंटेनेंस को कैसे आगे बढ़ा रहा है, कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन इस मेंटेनेंस को देखभाल करेगा ऑथराइज्ड है मैनेजर द्वारा, वो कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा, क्लीन साफ करेगा, ट्रिम चमकाएगा, क्लीनिंग ट्रिमिंग और एग्जामिंग एंड लॉक, फ्लैम सेफ्टी की 4 चीजें हैं, ये चारों को जरूर देखेगा, सफाई करना, ट्रिम करना, कोई उसमें फॉरेन मटेरियल नहीं हो, एग्जामिन करना, उसको पूरा निरीक्षण करना, और लॉक, फ्लैम सेफ्टी लैंप लॉक है कि नहीं, बिफोर इशू फॉर यूज, जब हम खदान में ले जाने के लिए यूज करने के लिए इशू कराते हैं तो इशू करने के पहले एक कॉम्पिटेंट पर्सन है जो इसको बढ़िया से करेगा। इस रेगुलेशन के तहत कैप लैंप इंचार्ज को हम लोग ऑथराइज करके रखते हैं कि यह सब काम करना होगा, ये इंश्योर होना होगा, क्लीनिंग ट्रिमिंग, क्लीनिंग ट्रिम और एग्जामिनेशन, एग्जामिन और लॉक, फॉर इशू फॉर यूज, किस चीज के लिए, सेफ रहे, फ्लैम सेफ्टी लैंप सेफ रहे, वर्किंग ऑर्डर में रहे, एंड सिक्योरली लॉक, बढ़िया से लॉक हो कि खदान में उसको कोई खोल नहीं सके, इसके लिए मैग्नेटिक लॉक का व्यवस्था रहता है। तो ये दूसरा सब रेगुलेशन संवैधानिक प्रावधान। तीसरा सब रेगुलेशन है कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जामिन इमीडिएट रिटर्न, जब फ्लैम सेफ्टी लैंप खदान से रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न के तुरंत जैसे ही कैप लैंप रूम में आया फ्लैम सेफ्टी लैंप तो उसको पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन इन दिस सेंस कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, सीता तो नहीं उड़ गया है, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो मिस हैंडलिंग तो नहीं कर दिया है, टेम्परिंग तो नहीं किया है, तो इसलिए एग्जामिनेशन तुरंत इमीडिएट रिटर्न, ये कॉम्पिटेंट पर्सन का 2 ड्यूटी इसमें है, ठीक है। चौथा सब रेगुलेशन कहता है इफ फाउंड डैमेज इन रिटर्न शैल बी रिकॉर्ड इन रजिस्टर एंड काउंटर साइन बाय द मैनेजर, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्लैम सेफ्टी लैंप यदि खदान में इशू हुआ और रिटर्न के समय यदि वो डैमेज मिला तो कॉम्पिटेंट पर्सन अगेन क्या करेगा, एक रजिस्टर में उसको लिखेगा कि क्या डैमेज है और उसको साइन करेगा और मैनेजर से उसको काउंटर साइन मैनेजर के नॉलेज में जाएगा। तो ये कोई डैमेज हुआ, किस डेट में हुआ, कौन शिफ्ट में हुआ और कौन फ्लैम सेफ्टी लैंप नंबर है, ये रजिस्टर में लिख करके उसको खुद साइन करेगा और मैनेजर उसको काउंटर साइन करेगा। अब आप समझ सकते हैं फ्लैम सेफ्टी लैंप की गुरुत्व तो कितना है, उसको निरीक्षण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में गैस चेक करने के लिए या सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जा रहा है जहां पर उस फ्लैम सेफ्टी लैंप के साथ यदि कोई टेम्परिंग हुआ है
वहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पर कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है, एनीथिंग माने फायर हो सकता है। तो ये फ्लेम सेफ्टी लैंप का ये चार सब रेगुलेशन हुआ। पांचवा सब रेगुलेशन जो है मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर और कंपिटेंट पर्सन वन इन एवरी सेवन डेज 7 दिन के अंदर एग्जामिन थ्रोली सेफ्टी लैंप एग्जामिन थ्रोली पूरा अच्छी तरह से एग्जामिन करेगा मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर कंपिटेंट पर्सन 7 दिन में एक बार फ्लैग सेफ्टी लैंप को थ्रोली पूरी अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करेगा, खोल करके सारे पार्ट को एग्जामिनेशन करेगा, दोनों जाली ठीक है, चिमनी ठीक है, कोई पोटी नहीं, इग्नाइटर इग्नाइटिंग ठीक है, नॉब ठीक है, ग्लास ठीक है, पीलर ठीक है, कहीं से ढीला तो नहीं है, कहीं तेल लीकेज तो नहीं है, तो ये सारी थ्रोली एग्जामिनेशन करें। सेफ्टी लैंप इन यूज शैल बी रिकॉर्ड इन रजिस्टर डेटेड एंड साइन। जो भी सेफ्टी लैंप हम यूज करते हैं ले जाते हैं तो उसको इशू रहेगा, एक रजिस्टर में इशू रहेगा डेट वाइज और साइन साइन किया हुआ रहेगा कि जो ले जाएगा तो साइन रहेगा, मेंटेनेंस को भी करेंगे। छठा जो सब रेगुलेशन है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज कंपिटेंट पर्सन ओवर मैन गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। इस कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो ओवरमैन होगा या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट पास आदमी ही ये कॉम्पिटेंट पर्सन के रूप में रहेगा, या कॉम्पिटेंट पर्सन लैंप चेकर सर्टिफिकेट होल्डर होगा। देखिए लैंप चेकर सर्टिफिकेट होल्डर होगा ये ओवरमैन होगा या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वाला ही लैंप चेक करेगा। तो ये छठा रेगुलेशन है ये कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में। तो ये सेफ्टी लैंप का मेंटेनेंस और एग्जामिनेशन के बारे में आपसे चर्चा किया, जो बेसिक चीजें हैं और अनिवार्य है, हर माइनिंग ऑपरेटर को माइनिंग सरदार को ये जानना जरूरी है कि हमारा जो सेफ्टी टूल्स है फ्लेम सेफ्टी लैंप है उसको किस हालत में प्रॉपर वे मेंटेन होता है, कैसे इशू होता है और कैसे यदि डैमेज हुआ तो इसको रिकॉर्डिंग होगा, ये सारी चीजें आपको इस संबंध में मैं बता दूं कि बहुत सारे अंडरग्राउंड में एक्सप्लोजन या सोर्स ऑफ इग्निशन का कारण खुद ही फ्लेम सेफ्टी लैंप। ऐसा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक्सप्लोजन के बाद जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है उसमें कई बार देखा गया है कि और लिखा गया है कि फ्लेम सेफ्टी लैंप के गलत ढंग से प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ, गलत ढंग से फिटिंग हुआ तो उसके चलते सोर्स ऑफ इग्निशन हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। इसीलिए ये निहायत जरूरी है, ये रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली जो हम डील करते हैं उसके लिए भी गुरुत्व वाला है रेगुलेशन है। मैं समझता हूं कि ये आप तक मेरा ये शेयर ठीक से गया होगा और आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे मानस में। धन्यवाद।